નમસ્કાર મિત્રો, આજે હું તમને વટ સાવિત્રી વ્રત પર સંભળાવવામાં આવતી સત્યવાન અને સાવિત્રીની કથા સંભળાવવાનો છું। એક સમયની વાત છે, એક અશ્વપતિ નામના રાજા હતા। તેમની કોઈ સંતાન ન હતી। રાજાએ સંતાન પ્રાપ્તિ માટે ઘણા બધા યજ્ઞ કર્યા। તેના પરિણામ રૂપે એક તેજસ્વી કન્યાની પ્રાપ્તિ થઈ। રાજાએ તે કન્યાનું નામ સાવિત્રી રાખ્યું। સમય વીતતો ગયો અને સાવિત્રી વિવાહ યોગ્ય થઈ ગઈ। એક દિવસ રાજાએ સાવિત્રીને કહ્યું, सावित्री हवे तू विवाह योग्य थई गई है, एटले पोतानी जाते ज योग्य वर ने शोध कर। पितानी बात मानी सावित्री पोताना मंत्रियों साथे यात्रा पर निकली गई। अनेक ऋषिओना आश्रमों, तीर्थों अने जंगलों फर्या पछी ते राजाना महल परत आवी। एज समये तेना पितानी साथे देवश्री नारद पण हता। सावित्रीए तेमने प्रणाम कर्या। पछी राजा अश्वपतिए तेमनी पुत्रीने तेनी यात्राना समाचार पूछ्या। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में पोताना माता पिता साथे निवास करता सत्यवान मारा माटे योग्य है। मैं मन थी तेमने मारा पति ज मान्या छे। सावित्री ने आ वात सांभळी नारद मुनि चौंकी गया अने बोल्या, राजन, सावित्रीए खूब ज मोटी भूल करी दीधी है। आ सांभळी अश्वपति चिंता में आवी गया अने बोल्या, देवश्री, सत्यवान में एवा क्या अवगुण है? तेना पर नारद जी बोल्या, राजन, सत्यवान पिता शत्रुओं द्वारा राज्य थी निकाल करवामां आव्या छे। ते वन में तपस्वी जीवन वितावी रह्या छे अने पोतानी बंने दृष्टिओ गुमावी चूक्या छे। राजन, सौथी मोटी अवगुणना ए छे के सत्यवान अल्प आयु छे। 12 वर्षनी उम्रमांथी तेनी पासे मात्र 1 ज वर्ष बाकी छे। नारद जीनी आ वात सांभळी अश्वपतिए सावित्रीने समजाव्युं के ते कोई बीजा सारा गुणवाळा पुरुषने पोताना पति तरीके स्वीकारे। सावित्री बोली, पिताजी, नारी पोताना जीवन में मात्र 1 ज पति ने स्वीकारे छे। हवे भले जे कांई पण थाय, हूँ कोई बीजाने स्वीकार नहीं करी शकूं। पुत्रीनी जीद आगळ पिता पण विवश थई गया अने सावित्रीना लग्न सत्यवान साथे करावी दीधा। लग्न पछी पोताना पति अने सासू ससरा साथे सावित्री वन में रहेवा लागी। जेम जेम समय पसार थवा लाग्यो, सावित्रीना मननो डर वधतो जतो हतो। नारद जीना कहेवा मुजब ज्यारे तेना पतिनी उम्र मात्र 4 दिवस बाकी हती, त्यारे तेना 3 दिवस पहला ज सावित्रीए व्रत राखवानुं चालू करी दीधुं। अंतमां ते दिवस आवी गयो ज्यारे सत्यवाननी मृत्यु निश्चित हती। चौथा दिवसे सत्यवान ज्यारे लाकड़ीओ लेवा वन में जवा लाग्या त्यारे सावित्री बोली, हे नाथ, हूँ पण तमारी साथे वन में आवीश। सत्यवाननी ना पाड़वा छतां ते पोताना सासू ससरानी रजाथी सत्यवाननी साथे वन में चाली निकळी। वन में सत्यवानने जो लाकड़ा कापवानुं शरू कर्युं तेवुं तरत ज तेना माथामां असह्य दुखावो चालू थयो अने ते वृक्ष परथी उतरी गया। सावित्री समझी गई के तेना पतिनो अंतिम समय नजीक छे, एटले तेणे पोताना पतिनुं माथुं तेना खोळामां राख्युं अने तरत ज सत्यवान बेभान थई गया। सावित्री चुपचाप रड़ती हती अने भगवान ने प्रार्थना करवा लगी। त्यारे ज तेने लाल वस्त्र पहेरेल भयंकर कदरूप वाला एक पुरुष देखाया। ते साक्षात यमराज हता। सावित्री बोली, हे महाराज, तमे कोण छो? यमराजे जवाब आप्यो, सावित्री, हूँ यमराज छूं अने तारा पतिना प्राण लेवा आव्यो छुं। सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणीओने लेवा तो तमारा स्वयंसेवको आवे, तो तमारुं आववानुं कारण शुं? तो यमराजे जवाब आप्यो, सत्यवान धर्मात्मा अने गुणोंनो सागर छे। मारा सेवको तेमने लई जवा योग्य नथी, माटे मारे पोताए आववुं पड्युं। एवुं कही यमराजे सत्यवानना शरीरमांथी प्राण नीकाळ्या। तेने लईने तेओ दक्षिण दिशा तरफ जवा लाग्या। सावित्री पण तेमनी पाछळ पाछळ चालवा लागी। सावित्रीने पोतानी पाछळ आवता जोई यमराज बोल्या, सावित्री, तू मारी पाछळ क्यां आवी रही छे? सावित्री बोली, मारा पति ज्यां जशे हूँ पण त्यां ज जईश, आ मारो धर्म छे। यमराजना खूब ज समजाव्या छतां पण सावित्री ना मानी। तेना पतिव्रता धर्मनी निष्ठा जोईने यमराज बोल्या, तू पोताना पतिना बदलामां कोई पण वरदान मागी ले। सावित्रीए पोताना आंधळा सासू ससरानी आँखों मागी अने यमराजे तथास्तु कह्युं अने तेओ आगळ चालवा लाग्या। फरीथी सावित्री तेमनी पाछळ चालवा लागी। ज्यारे यमराजे सावित्रीने बीजुं वरदान मागवा कह्युं त्यारे सावित्रीए पोताना सासू ससराना राज्यने परत माग्युं अने यमराजे तथास्तु कह्युं अने तेओ फरीथी आगळ चालवा लाग्या। फरीथी सावित्री तेमनी पाछळ चालवा लागी तो यमराजे कह्युं, चलो हजू एक वरदान मागी लो। त्यारे सावित्रीए पोताना पिता माटे 100 पुत्रोनुं वरदान माग्युं। यमराजे तथास्तु कही पाछा वळी जवानुं तेने कह्युं, पण सावित्री ना मानी अने पाછી तेमनी पाछळ चला निकळी। तो यमराजे तेने कह्युं, सावित्री, तू मारी पासेथी तारा पतिना प्राण सिवाय बीजू काई पण वरदान मागी ले। त्यारे सावित्रीए एवं मांग्यू कि मने सत्यवान थी 100 पुत्र प्राप्त थाय। आ वखते पण यमराजे तथास्तु कहीने आगळ वध्या, परंतु फरीथी सावित्री तेमनी पाछळ चालवा लागी। हवे यमराज बोल्या, मैं तने तारा मनगमता बधा वरदान आप्या, हवे तू पाछी वळी जा। त्यारे सावित्री बोली, तमे मने सत्यवान थी 100 यशस्वी पुत्र मळे तेवुं वरदान आप्युं छे अने सत्यवान विना पुत्र केवी रीते प्राप्त थशे मने। सावित्रीए यमराजने मुश्केलीमां मूकी दीधा। त्यारे यमराज बोल्या, सावित्री, हूँ तारा पतिव्रता धर्म थी खुश थईने सत्यवानना प्राणने मुक्त करूँ छूं अने आ साथे साथे तने आशीर्वाद आपूं छूं के तारी आ वार्ता युगो युगो सुधी संभळाववामां आवशे। आ कही यमराजे सत्यवानना प्राणने मुक्त कर्या अने यमलोक तरफ चालवा लाग्या। त्यारे सत्यवान अने सावित्री पोतानी कुटीमां पहोंच्या। त्यां तेमनी माता पितानी आँखोनी दृष्टि परत आवी गई हती अने तेमने पोतानुं गुमावेलुं राज्य पण परत मळी गयुं हतुं। दोस्तों, आ वट सावित्रीनी व्रत कथा, आ व्रत करवाथी अने सांभळवाथी विवाहित स्त्रीओना जीवनना बधा दुखो दूर थाय छे अने तेमना पतिने लांबी आयु मळे छे। मित्रों, जो तमने अमारी आ वार्ता पसंद आवी होय, कथाओ अने तथ्यों तो पण तमे जाणवा मागता होय तो अमारी चेनलने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं।